देखो ओके ए सिक्सटी शीट जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, और ए60 शीट के अंदर दो न्यूमेरिकल स्पेंडिंग है हमारे, उनमें से एक ये न्यूमेरिकल है, प्लीज साइलेंस, उनमें से एक ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल है जिसमें ये डायग्राम बना हुआ है, ये न्यूमेरिकल एचसी वर्मा का 7th या 8th न्यूमेरिकल है अनसॉल्व्ड। जितने लोगों ने उसे ट्राई किया, मैंने बहुत कम केस, रादर सच बताऊं तो मैंने आज तक स्टूडेंट कोई देखा ही नहीं जिसने एक गो में ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया और उसका आंसर आ गया, उसका अटका ही अटका। तो मैं ये चाहता हूं कि आप घर जा के इसे प्लीज एक बार देखें, मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है, आंसर कैसे आएगा आपको घर जाके देखना पड़ेगा, और प्लीज इस न्यूमेरिकल को आपने होमवर्क लेके सॉल्व करना है, और अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे जरूर पूछना है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो ये इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आप ये कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ हुआ है, मेरे को करवाना है ये वाला न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल के अंदर एक कॉनिकल वाइन ग्लास है, इज फिल्ड विद वाटर, तो एक कोन है उसके अंदर पानी है, और एक टेबल के ऊपर इन्वर्ट करके आपने इसको रख दिया। शो दैट रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, फोर्स। शो दैट रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन ग्लास, पानी इस पे फोर्स लगाएगा दीवार पे, ठीक। तो दीवार पानी पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अगर पानी फोर्स ऐसे लगाएगा परपेंडिकुलर, तो दीवार ऐसे लगाएगी, तो हमने क्लास में डिस्कस किया था, तो वॉल की नेट रिजल्टेंट फोर्स इनवर्ड्स होगी, तो ये नेट रिजल्टेंट फोर्स है, ऐसी जहां ड्रॉ करोगे नेट रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आएगी। नेट रिजल्टेंट फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमेशा क्या कर जाती हैं, कैंसल, तो नेट वर्टिकल फोर्स कहां आएगी, सारी की सारी नीचे 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 नीचे, क्या पॉइंट क्लियर है। तो नेट वर्टिकल फोर्स इन वॉल्स पे कहां एड करेगी, डाउनवर्ड्स, कोई डाउट इसमें। तो ये नेट वर्टिकल फोर्स आपको निकालनी है, क्योंकि ये फोर्स अगर वॉल लगा रही है पानी पे, तो पानी ने भी एग्जैक्टली सेम ही लगाई होगी वॉल के ऊपर, एक ही बात है। तो क्योंकि वाटर इक्विलिब्रियम में, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड इज इक्वल टू नेट रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड। तो नीचे की फोर्स, एक तो पानी का खुद का वेट है, पानी का खुद का वेट क्या है, एनजी डाउनवर्ड्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स नीचे 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 ऐड करोगे सिग्मा एनवी, सिग्मा एनवी का मतलब रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, और अपवर्ड फोर्स के इक्वल होगा, ये सारी फोर्सेस ग्राउंड पे लगेंगी, बेस पे लगेंगी, तो बेस के ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एन, कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। तो ये स्टेप समझ में आया, इक्विलिब्रियम में नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, कोई डाउट इसमें, क्योंकि थ्योरी करवाते हुए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, पर मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं करवाया था जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल है, क्लियर यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, तो हमने क्या निकालना है, सिग्मा एनवी, सिग्मा एनवी इज इक्वल टू व्हाट, एन वन माइनस एन जे, क्या स्टेप क्लियर है। सिग्मा ऑफ एनवी क्या आएगा, नेट वर्टिकल फोर्स क्या आएगी, एन वन में से क्या माइनस करेंगे, एम जे, ठीक। ओके देखते हैं, तो मैंने कहा कि नेट वर्टिकल फोर्स क्या होगा, एन वन माइनस एम जी, एन वन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन एट द बेस, बेस पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, बेस का एरिया बोलो कितना है, पाई आर स्क्वायर, और प्रेशर कितना है, एच रो जी, एच आई तक लिक्विड है, और माइनस मास इंटू जी, किसका वेट है, पानी का वेट है, पानी का वेट इज इक्वल टू पानी का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी,
पानी का वॉल्यूम क्या होगा, जितना कोन का वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम कितना है, 1/3 πr² h, कोन का वॉल्यूम पानी का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पानी की, क्योंकि वेट पानी का निकल रहा है, इनटू जी। ये स्टेप क्लियर है? तो आपने इसमें वेट पुट कर लिया, तो जब आपने इसको सॉल्व किया टर्म माइनस हो गई, तो क्या बचा, 2/3 ये बच गया, सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस, और एच रो जी क्या है, बेस के ऊपर प्रेशर, तो बेस का एरिया इनटू बेस का प्रेशर इज इक्वल टू के ऊपर फोर्स, फोर्स को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। तो प्रूव हो गया कि नेट वर्टिकल फोर्स जो वाटर लगाएगा दीवार के ऊपर, वो 2/3 of thrust ऑन दी बेस के इक्वल होगी। यही प्रूव करना है। चलो प्रूव तो चलो क्या ही आएगा, क्या आपको टेक्निक समझ में आ रही है कि किस तरीके से एन ऑफ वी की वैल्यू निकाली हमने? हालांकि थ्योरी के अंदर तो मैंने आपको बताया था, बट ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसके अंदर ये टर्म आई है। ठीक है, यहां तक फिर से सेम आया, एन ऑफ वी निकालना है, लेकिन फिगर चेंज हो गई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोन की जगह क्या हो गया, हेमी स्फेयर हो गया। हेमी स्फेयर में ये फायदा है, ये आर है तो ये भी आर है, तो यहां पर एच हाइट किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, बाकी सब कुछ सेम है। नेट वर्टिकल फोर्स, नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द वॉल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसिल, वर्टिकल फोर्सेस डाउनवर्ड्स, तो नेट वर्टिकल फोर्सेस सिग्मा एन ऑफ वी कहां एक्ट करेगी, नीचे। वेट पानी का कहां एक्ट करेगा, नीचे, और नॉर्मल कहां एक्ट करेगा, ऊपर। पानी इक्विलिब्रियम में है, तो नीचे की फोर्स इक्वल टू ऊपर की फोर्सेस। हमने सिग्मा एन वी निकालना है, N1 - mg, N1 का मतलब बेस के ऊपर फोर्स, जो कि क्या होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू एच रो जी, पाई आर स्क्वायर इनटू एच रो जी, लेकिन एच किसके इक्वल है इसमें, आर के इक्वल है। माइनस माइनस वेट ऑफ वाटर, पानी का वेट क्या होगा, पानी का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। क्लियर यहां तक? इसे आपने माइनस किया, माइनस करके सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ गई, आर क्यूब को दो बार लिखा, आर स्क्वायर इनटू आर, तो आपके पास क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर का मतलब बेस का एरिया, बेस का एरिया, और एच रो जी, एच रो जी यानी कि आर रो जी एक ही बात है, ये क्या आ गया, प्रेशर ऑन दी बेस। तो क्या बना इसमें, एरिया इनटू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स या थ्रस्ट। ठीक है, आता देखो, कंपटीशन में क्वेश्चन क्या आया, ये देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। क्या किया उसने, एक सिलेंडर लिया, ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नीट और मेंस और किसी भी कंपटीशन में बनते ही हैं पूछने, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक सिलेंडर लिया, एक सिलेंडर को एक स्ट्रिंग से लटका दिया वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर, ठीक, लिक्विड के अंदर आपने इसको सस्पेंड कर दिया, लिक्विड एच हाइट तक था, ये सिलेंडर है, गोल है, मतलब एरिया एरिया, पर क्या किया, इस सिलेंडर के नीचे वाला हिस्सा जो था उसको कट कर दिया और हेमिस्फीयर बाहर निकाल के फेंक दिया। अब नीचे से ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये वाला हिस्सा कट गया, ऊपर से ये पाई आर स्क्वायर एरिया ही है। क्लियर है यहां तक? ऊपर से सही दिख रहा है, पर नीचे से इसकी कटिंग कर दी, तो आपको डायग्राम ऐसा दिखा, डायमीटर इसका कितना था, 2r था, वॉल्यूम इसका कटे हुए पोर्शन का, ये जो बच गया v है, बचा वॉल्यूम v गिवन है, मास इसका m है, लिख लो मास इज m, m एंड v, तो ये पोर्शन जो सस्पेंडेड है इसका मास भी गिवन है, इसका वॉल्यूम भी गिवन है, और डेंसिटी गिवन है लिक्विड की इसके इक्वल है। मुझे निकालना है कि इसके नीचे वाले हिस्से पे पानी कितनी फोर्स लगा रहा है, बताओ इसके नीचे वाले हिस्से पे पानी कितनी फोर्स लगा रहा है, ये बताओ। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अब थ्रस्ट निकालो, मैंने कहा इसके सिर्फ नीचे वाले हिस्से पे कितनी फोर्स लग रही है। ये उन स्टूडेंट का ठीक होगा जिन स्टूडेंट को आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ अच्छे से आता है। वो कैसे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर हमने ये किया था कि अगर कोई बॉडी पानी में है तो उसको वो लिक्विड नीचे से भी फोर्स लगाएगा, उसको वो लिक्विड ऊपर से भी फोर्स लगाएगा।
नीचे की फोर्स बड़ी होती है, ऊपर की फोर्स छोटी होती है। नेट फोर्स इज नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स, और उस नेट फोर्स का नाम क्या होता है? अप थ्रस्ट। तो बस इसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसके लिए हमने क्या किया, और इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, एच है यहां तक नहीं है, लिक्विड का लेवल बनाओ यहां तक, जैसे ऊपर वाला डायग्राम है यहां तक बनाओ, और ये एच लो, एच पूरा नहीं है, एच छोटा लो, मतलब ऊपर वाले डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर इस पॉइंट पर फोर्स लिक्विड जो लगाएगा वो कहां लगाएगा? यहां लगाएगा F2, और कितनी लगाएगा? यहां का लिक्विड का प्रेशर जो कि कितना है? एच रो जी, और ऊपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बनेगा? पाई आर, क्लोज हो गया, F1 आ गया। नीचे की फोर्स मुझे पता नहीं, वो मुझे निकालनी है, और मुझे सिर्फ ये पता है कि नीचे की फोर्स ऊपर की फोर्स से बड़ी होगी, तो नेट फोर्स क्या होगी? नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू, उसको क्या बोलते हैं? अप अप थ्रस्ट। क्या होता है? वीरो जी। वॉल्यूम किसका? लिक्विड का, लेकिन बॉडी का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम तो एक ही बात है, तो पानी में ही। और डेंसिटी किसकी अप थ्रस्ट में? लिक्विड की इनटू जे, राइट। तो एफ इज इक्वल टू एफ टू प्लस वीरो जी। एफ टू आपको पता है, वीरो जी, ये ऑप्शन मार्क करना, आंसर आएगा। क्लियर यहां तक? एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, बट कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन भी आते हैं उसमें, बट मेंस और नीट के लिए भी एक सही कैंडिडेट तो बनता ही है, ठीक है ना यहां तक? तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? तो कुछ भी नहीं करना, नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू अप थ्रस्ट, बात खत्म। क्लियर यहां तक? और ये जो बचा हुआ क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है जब एवरेज प्रेशर निकाला था इंटीग्रेशन से, और ये जो क्वेश्चन बचा हुआ है नॉन मेडिकल वालों के लिए एक्सरसाइज है, होमवर्क है, मेडिकल वाले अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, नहीं आएगा, नॉन मेडिकल वाले करेंगे, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछेंगे। एचसी वर्मा का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लोगों को डाउट आता है, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें, बोलो। नहीं, वो तो प्रेशर का डिफरेंस लेते हैं ना, नीचे लगा लोगे तो क्या माइनस कैंसिल हो जाएगा? यहां भी लोगे वो तो माइनस करते हुए कैंसिल ही होगा ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर बराबर ही होता है ना, वो तो पी एटमोस्फेरिक हर एक ही इफेक्ट है ना, वो तो हर जगह उसका, वो तो पानी का लेवल बढ़ाता है उसे प्रेशर को, ठीक। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ओके, तो नेक्स्ट फिर आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर बुकलेट में से, फ्लूइड फ्लो।